नमस्कार, मैं कुसुम, आप देख रहे हैं खबर हरपल न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की कुछ खास सुर्खियों की ओर। अम्बा में कल केमिकल व्यवसायी सोनू अग्रवाल के घर पर चांदपुर का बदमाश नीरज शर्मा एवं उसके साथी राजीव चादिल अरविंद समाधिया आए और मुझसे टैक्स के रूप में 10 लाख रुपए मांगे। जब मैंने मना किया तो नीरज ने कट्टा दिखाकर मुझको जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने मामले को संज्ञान में ले लिया है और बदमाशों की खोज शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक नीरज शर्मा पर पहले से कई गंभीर अपराध एवं हत्या के प्रकरण दर्ज हैं। बदमाश नीरज का गांव दिमनी थाने में आता है। वहां पर उसकी जानकारी ली तो बताया कि इसके पिताजी रामशंकर शर्मा अभी सेंट्रल जेल में बंद हैं और नीरज शर्मा अभी बाहर घूम रहा है और वह 2 दिन से सोनू अग्रवाल को फ़ोन पर मिलने की एवं पैसे की धमकी दे रहा था। उनकी यह सब घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई कि वो इको स्पोर्ट गाड़ी से घर पर आए और उसमें कट्टा एवं बंदूक रखे हुए थे। इस बदमाश ने सारे इलाके में भय का माहौल बना दिया है। सुनील कुमार अग्रवाल, आपने आज एफ आई आर कल कराई थी थाने में, किस उससे कराई थी एफ आई आर थाने में आपने कराई ना, ये गुंडों के नाम से? गुंडों के नाम से हाँ। प्रॉफी मांग रहे थे। किस लिए? वैसे ही चाहिए, परेशान चल रहे हैं। कितनी मांग रहे थे? 10 लाख रुपये। नाम है उन गुंडों के? हाँ, नीरज शर्मा, राजीव चांदिल और अरविंद समाधी। पहले से आपकी कोई रंजिश तो है नहीं इनसे? नहीं, हमारी कोई रंजिश नहीं। जानते हो वैसे आप इनको? नहीं, उसमें से राजीव चांदिल को जानते हैं। दुकान पे आए थे आपकी? हमारी दुकान पे आए और लड़कों को कट्टे लगा दिए।